अच्छा आप बताओ आपको कौन सा डॉक्टर बनना है पैसा है <laughs> पर मेरे साथ ऐसा होता है कि जो मैं पढ़ के सोती हूँ वो मेरे सपने में आ जाता है नहीं। पता नहीं क्यों अगर मैं रात में जो पढ़ के सो रही हूँ वो सपने में आता तो है तो रिवाइज होता है कितनी बार तो मैं नीट का पेपर भी दे लेती हूँ अपने सपने <laughs> <दे लेती> <laughs> जो टीचर्स हैं वो बहुत मोटिवेट करते हैं तो उनकी हेल्प से हो जाता है कोचिंग प्रमोट क्यों कर रहे हैं हाँ मोमेंट तो मतलब ऐसे ऐसे होता है कि जैसे अगर मैं कोई चीज पढ़ रही हूं किसी टॉपिक पे और वो ऐसे कुछ फैमिली में कुछ रिलेट हो जाता है जैसे आ, एक टॉपिक रॉबर्ट ब्राउन ने

अभी तो मेरा मेन फोकस पी वाई के यूज़ है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैं उनका ही एनालिसिस कर रही हूँ मतलब लास्ट फिफ्टीन ईयर्स पहले कंप्लीट करना है मुझे एक एक करके रोज़ क्वेश्चन पेपर पहले के बना रही और मेन फोकस टेस्ट पे ही है जितने टेस्ट दे सको जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सको मेन वही मैटर करता है अभी तो जैसे जितना हो गया उसको रहने देते हैं बाकी टेस्ट देते हैं उसमें क्वेश्चन आते जाते हैं खुद ही पता चलता है नए नए क्वेश्चन दिखते हैं तो वो दिमाग में रहता है जब एग्जाम में जाते हैं तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जो पहले से करा हुआ है तो वो कॉन्फिडेंस में तुरंत आंसर टिक होता है उस पे तो जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो सके वही बेटर अच्छा कोटा के बाहर जो स्टूडेंट हैं उनको क्या टिप देना चाहोगे आप यहाँ का जो रूटीन फॉलो करते हो कोचिंग का और अपने हॉस्टल का उस बेसिस पे क्या आ, मतलब जो बाहर के स्टूडेंट उनको क्या कहना चाहोगे आप मैं तो यही कहूंगी टेस्ट दो और कोटा के ही लेवल का टेस्ट तो अभी तो ऑनलाइन हो गया डिजिटल हो गया तो हर जगह अवेलेबल है तो फोन से आ, और टेस्ट पेपर सॉल्व करो जितना हो सके अच्छा एक नीट एस्पिरेंट के कहीं ना कहीं मन में रहता है फेलियर का डर रहता है तो उसको कैसे डील करते हो आप सबसे पहले तो बहुत सारी पढ़ाई करके इसे दूर कर सकते हैं जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक फेलियर का डर रहेगा तो जिस टाइम मैं पढ़ती रहती हूँ उस टाइम तो कुछ नहीं पर ऐसे सोने के टाइम रात में फील होता है कि हाँ यार कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ कहीं फिर से तो पेरेंट्स से बात कर लेते हैं पेरेंट्स से बात करना बहुत अच्छा होता है वो मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं इसके अलावा मैं अगर कोई फ्रेंड से बात करूँ या एलन के जो टीचर्स हैं वो बहुत मोटिवेट करते हैं तो उनके हेल्प से हो जाता है हो आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट चैलेंजिंग लगता है मेरे लिए फिज़िक्स है क्यों मैंने तो मैथ्स ली हुई है ट्वेल्थ के साथ भी पर फिर भी मुझे फिजिक्स थोड़ा हार्ड लगता है के साथ मैथ ली मतलब नेट का हो मतलब ना मतलब मैंने टेंथ के साथ मैथ्स ली हुई है मतलब मैं एक मैथ्स और बायो स्टूडेंट दोनों हूँ अच्छा दोनों हो हाँ, फिर तो मा... आपको दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए फिजिक्स में तो हाँ, पर फिर भी मुझे प्रॉब्लम आती है फिजिक्स में थोड़ी सी क्योंकि हमें टाइम कम मिलता है

पिछली बार मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से नहीं पढ़ी थी मतलब मैंने एन बस रीड कर लिया था बट मैंने उसको इतना अच्छे से नहीं फोकस किया था उस पर क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि केमिस्ट्री का पेपर इतना हार्ड आएगा बट लास्ट टाइम केमिस्ट्री का पेपर इतना हार्ड आया हार्ड था बाकी तो दोनों ईजी था बायो हाँ। और जो तो मेरा फिजिक्स और बायो बहुत अच्छा था बट केमिस्ट्री बहुत हार्ड था तो इस वजह से इस बार क्या प्रिपरेशन में क्या चेंजेस लाए आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैंने टी पढ़ना स्टार्ट कर दिया है और और मैं नोट्स बनाती हूँ शॉर्ट नोट्स बनाती हूँ उसके अलावा उसको याद करने की कोशिश करती हूँ और मैं ज्यादा से ज्यादा पढ़ रही हूँ ताकि मैं केमिस्ट्री ठीक अच्छा, तो है ना नहीं मैंने वो बोला भी अच्छा, और आपका आपका केमिस्ट्री सही नहीं है अच्छा बायो को कैसे करते हो आप लोग बायो हमारे कोचिंग से मॉड्यूल मिलता है हमें तो वो पढ़ लेते हैं इसके अलावा एन पढ़ते हैं तो अभी लास्ट टाइम अभी हंड्रेड डेज बचे हैं ज़्यादा तो इस टाइम हम क्या करें कि एन सी आर कम से कम थर्टी टू फिफ्टी टाइम्स मतलब एटलीस्ट रीड करनी है पूरी बुक दो बार तो इसलिए मैं एन ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ती हूँ जैसे मैं कोशिश करती हूँ कि एक दिन में एक चैप्टर रोज़ रीड कर लूँ तो हमारे पास थर्टी प्लस चैप्टर्स हैं तो मैं डेली डेली हर चैप्टर रीड करूँगी तो तब तक मेरा हो जाएगा सर आपका क्या प्लान है बायो को लेके बायोपेथि बायोपे तो मेन फोकस एन रहना चाहिए उसको रीड करो और साथ में पी क्यों करो मतलब बुक्स आते हैं बहुत सारे जिसमें चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज पी वाइक होते हैं तो इससे पता चलता है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आने के प्रॉबिलिटी होते हैं तो उस अकॉर्डिंग उस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करो उसे ज़्यादा बार रीड करो जितनी बार रीड करोगे दिमाग में बैठते जाएगा और बायो तो ऐसा है कि देखते ही जैसे फिजिक्स सॉल्व करना पड़ता है केमिस्ट्री कई बार ही सॉल्व करना पड़ता है बायो ही ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे ईजी हमारे लगता है क्योंकि हम नीट के स्टूडेंट हैं तो लाइक उसमें तो सेकेंड्स में आंसर देखते ही क्लिक करना चाहिए तो उसके लिए जितनी बार रीड करो एन अच्छा पिछले साल के कंपेयर में अगर मैं देखूं तो आपने क्या क्या प्रॉब्लम किया था पिछले साल मुझे सबसे पहले नीट का पेपर देने में मुझे ये प्रॉब्लम आई थी कि मुझे टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि लास्ट टाइम मैंने इतने अच्छे से क्वेश्चन और इतने टेस्ट नहीं दिए थे पर अब मैंने एलन ज्वाइन किया है तो पिछली बार एलन नहीं ज्वाइन किया था आपने पिछली बार कहाँ से पढ़ मतलब रहे थे एलन ही ज्वाइन किया था बट मैं ऑनलाइन थी एलन के कोर्स में तो उसमें मैं टेस्ट नहीं दे पाई थी बट यहाँ पे मैं आई हूँ जब तो फिर मैं बहुत सारे टेस्ट दे रही हूँ और बहुत सारे टेस्ट से जब मेरी प्रैक्टिस हो रही है तो इसकी वजह से टाइम मैनेजमेंट वाली प्रॉब्लम नहीं हो रही है और उसके अलावा मैंने उससे पहले कोचिंग की मॉड्यूल्स वगैरह इस पर ज़्यादा ध्यान दिया था एन सी नहीं दिया

सही जा रही है ये देखो ब्राउन की रॉबर्ट हुक रॉबर्ट 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 हुक निकले सेल किसने डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन रॉबर्ट ब्राउन ने देख लो दोनों में कंफ्यूजन आ रहा है हां रॉबर्ट ब्राउन ने रॉबर्ट ब्राउन ने सेल किया था न्यूक्लियस रॉबर्ट हुक ने कितना शेयर हो 50% परसेंट <laughs> देख लो ये प्रिपरेशन <laughs> हम साइंटिस्ट के नेम इतना नहीं आ जाता है साइंटिस्ट के नेम भी आता है चलो कोई नहीं डिप्रेस मत हो जाना मेरे डिस्क्रिप्शन से पर वो सही था है आप देख लेना सही तो है क्या गलत है ये <laughs> तो मुझे भी नहीं पता कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन करता हूँ आप लोगों से आप बताओ टॉप थ्री गो टू स्टडी रिसोर्सेज यू स्वेयर भाई पहला तो एनसीईआरटी ऑबवियसली दूसरे पीवाईक्यूज लास्ट 15 इयर्स तो काफी रहते हैं क्योंकि उसके पहले पैटर्न डिफरेंट रहता है और फिर बाकी या या जो जो भी मत book. Modules या, hmm. भी मतलब कोई आपके आपके लिए particularly, जो आपको लगे। और आपके लिए आपको और क्या है uh, मेरे लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड टेस्ट क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उससे hmm. आपका एनालिसिस पता चलेगा कि आप कौन से पोजीशन पे स्टैंड करते hmm. हैं और एन और आपका मेरे लिए एनसीआर है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और जो टेस्ट होते हैं कोचिंग्स में वो मैं तो एम टी जी का बुक सॉल्व करती हूँ बायो के लिए और फिजिक्स के लिए एलन का मॉड्यूल काफ़ी है केमिस्ट्री भी एलन का मॉड्यूल से करती हूँ बाकी केमिस्ट्री तो एन सी आर टी से आते हैं मतलब हैबिट तो नहीं पर मेरे साथ ऐसा होता है कि जो मैं पढ़ के सोती हूँ वो मेरे सपने में आ जाता है नहीं। पता नहीं क्यों अगर मैं रात में जो पढ़ के सो रही हूँ वो सपने में आता है तो रिवाइज जाता है कितनी कि बार तो मैं नीट का पेपर भी दे देती हूँ पेपर में वो मैंने ऐसे करती हूँ सुबह में एक दो बार पर जो जो मान लो कभी सपने में आया हो रहा हुआ है पर मतलब मतलब जो पढ़ो वो फिर सपने में से रिवाइंड होते रहता रहता है होते रहते है मतलब अगर मैं एक रात बहुत ज्यादा पढ़ ली तो उस रात फिर मैं सपने में भी पढ़ाई कर रही होती हूँ प्रॉपर और आपका कैसा होता है मेरा ऐसा नहीं होता है आपका कैसा होता है मेरा ऐसा नहीं मैं बस जो लिखते रहती हूँ तो वो मुझे जल्दी याद होता है तो वही मेरा हैबिट अच्छा आपकी स्टडी हैबिट कैसे रहती है मतलब कुछ लोग याद करके पढ़ते हैं कुछ लोग लिख के पढ़ते हैं हाँ मैं लिख के पढ़ती हूँ मतलब बहुत नोट्स बनाती हूँ मतलब एनसीईआरटी पढ़ती हूँ नोट्स बनाती हूँ मतलब एक एक पैरा पढ़ के उसके नोट्स बनाती हूँ और उसे हाईलाइट करती हूँ और फिर वही चीज़ बार बार रिवाइज करती हूँ जो मैंने हाईलाइट किए होते हैं बिगेस्ट सो फार मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है टाइम मैनेजमेंट कि मैं अगर बायो स्टार्ट करती हूँ तो फिर मेरे फिजिक्स के लिए टाइम कम पड़ जाता है और अगर मैं फिजिक्स स्टार्ट करती हूँ तो मेरा बायो के लिए टाइम कम पड़ जाता है तो वही मेरे लिए सबसे ज़्यादा हार्ड है और मेरे नीट के पेपर में भी मेरे साथ यही हुआ था कि काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे आते थे बट छूट गए थे क्योंकि मेरा टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं था बट उसके लिए टेस्ट मुझे लगता है इस क्वेश्चन से आप अपना टाइम मैनेज करोगे आप <laughs> ये हेल्प करेगा आपके लिए हाँ हेल्प करेगा और टेस्ट भी काफ़ी हेल्प करता है उससे पता चल जाता है अगर आप बहुत बार टेस्ट दो तो फिर वो आपका सॉल्व हो जाता है शेयर मेमोरेबल आह मोमेंट इन योर स्टडी जर्नी हाँ मोमेंट तो मतलब ऐसे होता है कि जैसे अगर मैं कोई चीज पढ़ रही हूँ किसी टॉपिक पे और वो ऐसे कुछ फैमिली में कुछ रिलेट हो जाता है जैसे आ, एक टॉपिक प्रेगनेंसी ऐसे तो मेरी एक आंट ऐसा फेस कर रही थी तो जब मैं ऐसे बता पाती हूँ ना ऐसे घर वालों के वो की रीजन बिहाइंड ऐसे ऐसे होता है तो इस वजह से तो जैसे पापा मम्मी ऐसे खुश होते हैं कि हाँ बच्चा पढ़ता है तो बड़ा अच्छा लगता है और ऐसे confidence जानना कॉन्फिडेंस आता, हाँ, आता है खुद में मम्मी पापा को भी आता है अच्छा कई बार क्या होता है जब अपन स्टडी करते हैं तो गाँव की स्टडी तो कर रहे होते तो तो हैं तो डॉक्टर बन गया वो बन चीज़ ना आगे जाके खुशी देगा अभी तो प्रेशर है अभी तो बहुत प्रेशर में लगता है कि यार इतने लोगों को है नॉट ओनली आर मदर एंड फादर बट इतने मतलब हमारे यहाँ तो बहुत ही ज्यादा क्योंकि हम बहुत छोटे भवनाथपुर वो गढ़वा में एक छोटा सा प्लेस है बहुत नहीं। conservative. नहीं। तो वहाँ पे तो और, मतलब सब किसी को नीट के बारे में भी उत्तर ही पता नहीं। है स्टूडेंट्स कर कर हाँ, तो नहीं। नहीं। कि बैठ रहे एग्जाम में कितना टफ है तो उनको क्या बताना चाहोगे अगर वो देखेंगे उनके बच्चे जब आएंगे तो ये सही था अच्छा आप बताओ आपको कौन सा डॉक्टर बनना है जिसमें <laughs> तो 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 ना ना बहुत बिजनेस माइंडेड हो आप और आपका बताना अच्छा हाँ बताओ बताओ आपका बताओ गायनो बनना है गायनो बनना हाँ। ये कैसे प्लान कैसे आया क्योंकि मतलब मैंने ऐसे देखा है कि अगर लाइक like, बहुत आगे का सोच ली पर मान लो मैं गायनो हुई और मान लो जिससे शादी हुई पीडियाट्रिशियन हो तो बढ़िया पैसे आएंगे कि अगर आप एक... किसे डिसाइड कर ली डॉक्टर से शादी हो गया वो तो हो नहीं

मैं जब से नीट कर रही हूँ और मैं थोड़ा सा डॉक्टर के बारे में नॉलेज रखना चाहती थी तो मैंने काफी सारी चीजें देखी तो मुझे लगा कि मुझे सर्जरी में काफी ज्यादा ये, अच्छा। ये पता है ना नीट से ज़्यादा टफ है पीजी को हा, करेक हा, करेक हा, पीजी करना पीजी क्रैक करना वो पहले से बना के चलना हाँ ये पता है क्योंकि मैं काफी ज्यादा लोगों को फॉलो करती हूँ यूट्यूब पे जो कि एम में है तो ये चीज़ पता है की पीजी टफ है आपको इस हॉस्टल की तो बहुत सारी है। एक तो खाना एक, आप बताओ एक है कि यहाँ पे लाइब्रेरी जिम एंड मूवी थिएटर है तो वो काफी ज़्यादा हेल्प करती है क्योंकि हम यहाँ पे काफी लेट नाइट तक नीचे जाके पढ़ सकते हैं क्योंकि रूम में नींद आने लगती है बट अगर आप नीचे पढ़ो और काफी सारे लोग और भी होते हैं तो देख के मोटिवेशन मिलता है तो वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है सिक्योरिटी परपज से कितना सेफ हॉस्टल बस अब सिक्योरिटी परपज से भी काफी सही है क्योंकि बायोमेट्रिक है तुरंत घर पे मैसेज आता है निकलो तो और उसके बाद फिर आठ बजे के बाद आप बाहर नहीं निकल सकते हमेशा नीचे गार्ड तो ट्वेंटी फोर आवर्स अवेलेबल होते ही हैं साथ में वार्डन अकाउंटेंट दो दो वार्डन तो सिक्योरिटी तो पूरा टाइट है तो कोटा की क्या और चीज़ें खास बनाती है कोटा को लेके अभी हमारे, अभी तो तो हमारे हमारे हॉस्टल की तरफ से हमें ले जाया था okay. आ, रिवर फ्रंट okay. काफी ब्यूटीफुल जगह है वहां पे पूरा राजस्थान का कल्चर देखने mm. को मिला इतने टाइम बाद हमें ऐसा लगता था राजस्थान कैसा होगा सिर्फ डेजर्ट डेजर्ट होगा और वो सब <laughs> पानी <तिप>, नहीं मिलता <laughs> हाँ यहाँ आके बहुत सारा चीज क्लियर हुआ और वहाँ mm. पे टिपिकल राजस्थानी डांस ये सब देख के बहुत अच्छा लगा हॉस्टल की तरफ से हम गए थे और साथ में हम जो नया सिटी पार्क खुला वहाँ भी ले जाया गया था हमें दिवाली वोकेशन में जो लोग घर पे नहीं जा पाए थे यही मुझे लगता है किसी हॉस्टल में लेके जाते होंगे बच्चों के साथ नहीं।, नहीं नहीं हमारे ओनर सर तो बहुत ही हेल्पिंग बहुत ही कोऑपरेटिव है मतलब कोई प्रॉब्लम भी तुरंत उनके पास जाओ और हमने बोला सर दिवाली में हम लोग घर नहीं गए तो फिर उन्होंने तुरंत अरेंज करा दिया और आप कुछ कहना चाहोगे हॉस्टल बहुत अच्छा है मतलब स्टार्टिंग में तो मैं दूसरे हॉस्टल्स में रहती थी पर वहाँ पे मुझे बहुत प्रॉब्लम्स आई क्योंकि खाने से रिलेटेड मतलब स्टमक पेन और ये सब पर यहाँ का खाना बहुत अच्छा है बहुत टेस्टी है और सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी है और वार्डन मैम और सब लोग बहुत अच्छे हैं और गार्ड अंकल भी बहुत प्यारे हैं हमेशा स्माइल देते हैं जब भी एंट्री करो या बाहर जाओ तो सब लोग बहुत अच्छे हैं तो कैज़ ये था आज का व्लॉग आई होप कब को वीडियो पसंद है वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत बोलना और आप लोग भी कर लेना सब्सक्राइब